नमस्कार, खलीलाबाद टाइम्स में आपका स्वागत है। संत कबीर नगर कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के सिटी पब्लिक स्कूल में अज्ञात चोर ने स्कूल का बाउंड्री वाल फाड़कर टर्मिनल सहित बैटरी ले उड़ा। चोरी की यह घटना स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। चोरी की यह घटना रविवार की बीती रात की है। छुट्टी का दिन होने के नाते स्कूल का पूरा स्टाफ अवकाश पर था, जबकि स्कूल की पहरेदारी एक गार्ड के भरोसे सौंपी गई थी। चोर अचानक पीछे की बाउंड्री से कूदकर परिसर में घुसा, इसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बताते चले कि इसमें करीब 12,000 का सामान लेकर चंपत हो गया। स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर शंभु प्रसाद पांडे ने बताया कि चोरी की घटना की जानकारी जब वह स्कूल पहुंचे तो स्कूल के चौकीदार ने उनको सूचना दी। इसे सुनकर वह अवाक रह गए। उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी 112 नंबर पर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। स्कूल के प्रधानाचार्य ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराते हुए अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं इस मामले में चौकी इंचार्ज तितौवा राजेश यादव का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, पुलिस कर्मियों को भेजकर जांच कराई गई है। जो भी चोरी की घटना को अंजाम दिया है जल्द ही जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। संत कबीर नगर से केदारनाथ दुबे की रिपोर्ट। जब मैं आया तो जो मेरे यहाँ विद्यालय के चौकीदार हैं यादव जी, उन्होंने मुझे अवगत कराया कि सर जनरेटर की बैटरी दिखाई नहीं दे रही है, क्या आप जानते हैं? तो हमने कहा कि नहीं, ऐसी क्या बात है, तो वहीं पर होगा। तो जब हम लोग ने उसको गंभीरता से जांचा तो उसमें ये पता चला कि उसका जो टर्मिनल है, टर्मिनल सहित उखाड़ करके तोड़ करके कोई बैटरी वहाँ से हटा लिया है। फिर इसको गंभीरता से लेते हुए जब मैंने, क्योंकि विद्यालय में मेरे सीसीटीवी कैमरे सब लगे हुए हैं हर क्लासरूम में, हर बरामदे, हर फील्ड में, तो ये फ्रंट फील्ड है, बैक फील्ड है, जब हमने उसको गंभीरता से जांचा तो चोर एंट्री शाम को, कल रात में 8:04 पे शाम को एंट्री किया है बैक साइड से, फील्ड में जो हमारी बैक फील्ड है वहाँ से एंट्री किया है शाम को 8:04 पे जंप करके, बाउंड्री को जंप करके, और आते हुए उसका चेहरा पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फिर वो बैटरी लिया है, बैटरी ले जाते समय भी गमछे से बैटरी को ढका हुआ है और हाथ से उठा करके जाते समय भी पूरा स्पष्ट उसका चेहरा बैटरी सही सवार रहा है। तो मैं प्रशासन से, आप लोगों के माध्यम से भी ये निवेदन करता हूँ। और इस मामले में आपने कहीं सूचना दी है? सूचना सर मैंने एटवंस 111 नंबर पे, हमारे बहुत ही शुभेच्छु केदारनाथ दुबे जी हैं, मैंने उनसे सलाह मांगा क्या किया जाए, तो उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि सर आप 112 नंबर पे कॉल करके सूचना दीजिए। मैंने कॉल किया और तत्काल में दो सज्जन 112 नंबर वाले आए, मैंने उनको अवगत कराया, सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया। उन्होंने तितौवा चौकी इंचार्ज को भी सूचना दिया। वहाँ से मिस्टर उपेंद्र सिंह जी, कोई कांस्टेबल है, वो आए, उन्होंने भी सीसीटीवी फुटेज को देखा। संतुष्ट होने के बाद उन्होंने कहा कि एक एप्लीकेशन आप लिखे और कोतवाली में इसको एप्लीकेशन आप भिजवा दें और इस पर हम लोग गहन जांच करके, और आप निश्चिंत रहें मैं इसकी सकारात्मक परिणाम देने का प्रयास करूँगा। कितनी लागत की होगी सर? लागत कम से कम सर मेरी सर वो 12,000। और ये विद्यालय के लिए, हम सब के लिए बड़ी ही शर्मनाक बात है सर। विद्यालय मेरा 12 साल का होगा लेकिन कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। ये जब घटना मुझे चौकीदार ने सुबह बताया तो हम लोग खुद अचंभे में पड़ गए कि ये पहली बार ऐसी घटना क्यों हुई। और ये हम सब के लिए प्रतिष्ठा का विषय है कि अगर इस पर सख्त कार्रवाई होकर के कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला तो उस, अब आप क्या मांग करते हैं? मैं आप सबसे या प्रशासन से, पुलिस प्रशासन महोदय से यही मांग करता हूँ कि अविलंब